नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम यांत्रिकी वाले पार्ट्स हैं, तरंग फलन साई के गुण पढ़ रहे हैं। तरंग फलन जिसको साई लिखा है श्रोडिंगर समीकरण में, जहाँ पर हम साई का फल लिखते हैं, उसके क्या क्या गुण होंगे, तो साई क्या है और इसके बारे में हम कर रहे हैं चर्चा। तरंग फलन साई एक आयाम फलन है। आयाम फलन है, ये प्रेक्षणीय राशि नहीं है, यानी इसको आप माप नहीं सकते एक्यूरेट। लेकिन इसका यदि वर्ग किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को जब प्रदर्शित करता है तो इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा। ऐसे जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है 95% तक होती है, अर्थात साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है, उस जगह को हम कक्षक कहते हैं। यहाँ पे हम तरंग फलन साई के कुछ विशेष गुण और कुछ गणितीय शर्तों का पालन जो जो होता है वो पढ़ते हैं। इसके जो प्रमुख गुण हैं वो किसी बिंदु पर साई का मान सदैव सीमित या परिमित होना चाहिए, यानी साई का मान परिमित होगा, निश्चित होगा, उस बिंदु में कण के पाए जाने की निश्चितता हो जाती है। यदि साई का मान जब निश्चित हो जाता है तो, जो कि आइजेनबर्ग के यानी सिद्धांत के विपरीत होती है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखो साई का मान, ये कुछ ग्राफ बनाए गए हैं। एक तरफ हमने ग्राफ ए पढ़ा है, उसमें एक्स और साई के बीच में वक्र खींचा गया है। इधर एक्स एक्स की तरफ ये वाई एक्स पर साई लिया गया है, और इधर आपका एक्स एक्स जो है इस पर आपका एक्स दूरी ली गई है। तो ये वक्र आपका ऐसे करके यूं यूं ऐसे जब जा रहा है तो ये परिमित मान है, मान निश्चित है। इसी प्रकार से बी वाले में भी साई और एक्स में जब आप इस प्रकार से लिखते हो तो ये भी एक निश्चित है, साई का मान निश्चित हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए, ये वक्र जो दूसरे वाला है इसमें वाई एक्स पे आपने साई लिखा है और एक्स एक्स पे आपने एक्स दूरी लिखी गई है। तो यहाँ जैसे ये साई की वैल्यू इस प्रकार से ऐसे निकाली गई है, इधर से ऐसे साई की वैल्यू ऐसे निकाली हुई है। अब यदि हम इस बिंदु पे चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर एक्स के इस मान पर साई का मान निकालना चाहते हैं, तो साई वाला जो ये वक्र है वो इसको कहीं टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल अनंत तक जा रहा है, तो साई निश्चित नहीं है, यहाँ पर यह परिमित हो गए। इसी प्रकार से इस साइड वाला वक्र को भी यदि हम देखते हैं तो भी ये ऐसे अनंत तक जा रहा है, तो ये साई निश्चित है नहीं है। पहली शर्त आपके साई का मान सदैव सीमित या परिमित होना चाहिए, तो ये शर्त आ गई। ये इसका मतलब साई के लिए जो वक्र होंगे या कर्व जो होंगे वो ए या बी के अनुरूप हो सकते हैं, इस नीचे वाले के अनुरूप नहीं होंगे। इसके बाद में हम अगले
बदला। तरंग फलन साई का मान सदैव सतत होना चाहिए, असतत मान नहीं होगा। सतत में यह इस प्रकार से साई इधर लिखा गया है, ये साई और ये इधर एक्स, तो साई कंटिन्यू इस प्रकार से ऐसे सतत चल रहा है। इसी प्रकार से ये यदि वक्र दूसरे वाला देखते हैं तो इसमें भी वाई पे साई रखा हुआ है और एक्स पे दूरी है, तो साई इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, ये आपका सतत मान है। अब देखो इसमें असतत मान कैसे रहेगा कि वाई एक्स पे आपने जैसे यहाँ पे साई लिया और एक्स एक्स पे दूरी ले रहे हैं, यदि ये साई ऐसे गया फिर यहाँ से कट हो गया फिर यूँ चला, मान लीजिए ऐसे इस प्रकार का वक्र आता है डॉट डॉट करके कहीं बीच में कट हो रहा है, तो वो असतत वैल्यू होती है, तो इस प्रकार का साई का वक्र नहीं होगा। यानी ये वक्र आपका हो सकता है ऐसा या ऐसा हो सकता है, और वास्तव में साई का जो वक्र होता है वो आपका यही होता है। तो ये बिंदु नंबर आपके सेकंड हो गया, तरंग फलन साई का मान सदैव सतत होना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है, त्रिभुज में किसी भी बिंदु पर साई का एक ही मान होना चाहिए, एक से अधिक मान नहीं होंगे। जैसे देखिए ये वक्र अपन खींचते हैं, वाई एक्स पर साई लिया गया, एक्स एक्स पर दूरी लिखी गई है और इस प्रकार से साई का वक्र आया है, तो एक्स के जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे साई निकालेंगे तो एक मान मिलेगा, इसी प्रकार से एक्स इस दूरी पर भी साई के एक ही मान मिलेगा, इसी प्रकार से एक्स की इस दूरी पर भी आपका साई का एक ही मान मिलेगा, तो ये वक्र आपका बिल्कुल सही है, ये सही आ गया। एक वक्र जिसमें साई के बहुत सारे मान मिल रहे हैं, ये आगे वाला है, इसमें देखिए आप ये वाई एक्स पे साई लिखा गया, ये दूरी है एक्स, तो जब यहाँ वक्र है तो ये वक्र साई का इस प्रकार का वक्र आ गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, एक्स के ऐसे बिंदुओं पर यहाँ पे मान अलग आ रहा है साई का, इस जगह अलग आ रहा है, इस जगह एक्स के मान पर साई का मान अलग आ रहा है, इस जगह साई का मान अलग आ रहा है, इस जगह साई का मान अलग आ रहा है, ऐसे यहाँ पर भी अलग आ रहा है, तो अलग अलग वैल्यू जो मिल रही है तो एक से अधिक मान मिल जाएंगे आपको साई के, और ऐसा वक्र होता नहीं है, तो साई के लिए ये वक्र आपका गलत हो गया, साई के लिए ये वक्र सही हो गया। अब एक से अधिक मान होंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी निश्चित रूप से एक स्थान पर अलग अलग जगह जब वैल्यू होगी तो अलग अलग संभावना मिलेगी, जबकि एक ही संभावना होती है। त्रिभुज में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना निश्चित रूप से एक ही स्थान पर सर्वाधिक होती है, अतः किसी बिंदु पर साई का केवल एक ही मान होना चाहिए, एक से अधिक मान नहीं होंगे। अब हमारे जो तीन चार ये पॉइंट जो बने हैं कि साई के मान परिमित सतत और एक ही मान को हम इस नीचे वाले इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो साई के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे वाई एक्स पे साई लिखेंगे, एक्स एक्स पे दूरी लिखेंगे, तो वक्र आपका ये परिमित भी है सतत भी है एक ही मान है, तो ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि परिमित में सतत में और एक ही मान में साई की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव में आ सकती है, तो ये वक्र आपका रहेगा, इस प्रकार का साई का वक्र बनेगा, ये आपका सही है। तो हमारे पास में ये साई के लिए सही वक्र आ गया, ये आपका गलत है, ये सही है,
यह सही है साई के लिए, ये भी सही है। इसी प्रकार से आपके साई के लिए जो वक्र है वो ये सही है, ये सही है, ये नहीं होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है तरंग फलन साई के गुण समझिए, और उन्हें वक्र के द्वारा हमने समझा। थैंक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप कर सकते हैं।